बच्ची ओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, भागते हुए आओ ना। क्या हुआ सैंडी भाई? भैया अपने बस की नहीं है। बस की नहीं है क्यों, क्या हुआ? अब अपना कपड़े कच्छा बनियान सब गीला हो गया है। सब गीला हो गया, मुझे माफ करो, तुम हो क्या हो? अरे थोड़ा ही तो रह गया, अब चलो यार। 700 मीटर होगा, 400-500 मीटर होगा, इससे ज्यादा होगा तो वापसी आ जाना। मजाक से हटकर यही तो है लास्ट। का मतलब व्यू नहीं मिला आपको देखने? नहीं मिला था, शॉर्टकट मार दिए थे जी। अच्छा अब मिला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा जो आप ब्लॉग था, वो आपने थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि आज हम जाने वाले थे चाइना पीक। दोस्तों गए तो हम इससे पहले भी थे, लेकिन हम जाने में थोड़ा लेट हो गए थे। 1:30 से 2:30 बजे तो हम निकले थे यहाँ से। जाने का हमारा जो रूट है वो भी 2 घंटे का है। तो हमारे साथ पहले भी जो हमारे पार्टनर थे, हमारे भट्टी थे। क्यों भट्टी, क्या कहना चाहेंगे आप? तो आज हम जाएंगे कहाँ? नैनीताल। नैनीताल से पहले हमें जाना चाइना पीक, क्योंकि इससे पहले हम गए थे भट्टी, मतलब थोड़ा लेट हो गए थे। तो हम जाने से हमें मतलब जो था, जो व्यू था, हम व्यू ले नहीं पाए थे। तो हमारा आज लेक हमें सही से दिखी नहीं थी, मतलब जो हमारा मेन मोटिव था उससे हम रह गए थे। और हमसे उस बार उसकी वहाँ के लोगों ने कहा था कि आप थोड़ा जल्दी में आइए, फरवरी के टाइम में आना, फरवरी के टाइम में अच्छा व्यू होता है। तो हम इसीलिए आज जा रहे हैं बहुत टाइम बाद, और देखते हैं कैसा व्यू मिलता है। और काफ़ी फन करने वाले हैं आज हम सैंडी भाई के साथ। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं तिराहे पे। ये जो रास्ता आप देख रहे हो सीधे नैनीताल को जा रहा है, और सीधा ये हमारा हल्द्वानी अल्मोड़ा रानीखेत का रास्ता। और ये रास्ता जहाँ से हम अभी आए हैं, ये रास्ता हमारा काशीपुर, हरिद्वार, बाजपुर, कालाडूंगी, ये निकल रहा कालाडूंगी को सीधा। तो हम यहाँ से निकलते हैं भट्टी हमारे साथ। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि हम जो ये ट्रिप करने वाले हैं उसमें हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, आप मतलब इसमें मतलब जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि हमारा क्या बजट रहेगा, क्या सावधानियाँ हमने बरतनी है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो भट्टी हम चाह रहे थे ये जो ब्लॉग है, मतलब जो हमारे जो दोस्त लोग हैं वो नैनीताल तो आए होंगे, लेकिन नैनीताल से पहले हमारा जो पड़ता है कि हमारी 7 चोटियां नैनीताल में, 7 पहाड़ी चोटियां हैं, जो सबसे ऊंची चोटी शायद हमारी यही है। हाँ तो मतलब बहुत से लोग हमारे जो नैनीताल आए हैं, नैनी झील घूमे, लेकिन शायद वो इस जो बेस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ जाने से चूक गए हैं ना। ऐसा है ना, आज का हमारा जो ट्रिप रहेगा बजट ट्रिप रहेगा, जिसमें मतलब जो हमारे इधर उधर से उत्तराखंड से दूर से भी लोग आना चाहें, मतलब पता रहना चाहिए ना कितना बजट लगता है, कितना पैसा खर्च होता है। तो हम तेल से लेकर हर चीज़ बताएंगे, क्या खाने पीने को आप ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, यहाँ पे वहाँ खाने को क्या क्या मिल सकता है, और पूरा आज हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो के थ्रू। और थैंक यू भाई, क्योंकि आज पता ही है आपको उत्तराखंड के दूसरे नंबर के ब्लॉगर हैं, ये सबको पता ही है, पहला आप जानते हैं, और आज हम बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं। पहले हमारे भट्टी हैं, दूसरा हूँ मैं। ये तो थैंक यू का बड़प्पन है। तो आज हम बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कैसे कैसे आपका क्या बजट रहेगा, कितने बजट में आप नैनीताल का सफ़र कर सकते हैं। फिलहाल तो हम जाएंगे नैना पीक, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी, 3200 कुछ मीटर ऐसी है, और आज हम जाएंगे। तो लेट्स गो। अरे बॉम उठ गया, तो उसके नीचे आंटी यहाँ से उठाया हमने, उसके नीचे हाँ ये वाला आंटी सही कह रही है। हमारे भट्टी खरीदारी चलने में ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं, देखते हैं पता नहीं क्या क्या लेके आया। तो क्या क्या लिया भट्टी बैग में, क्या क्या लिया इतना? ये पानी की बोतल लिया एक तुमने? नहीं तो सही है। क्या क्या चाहिए? दूसरा अपना लाए हम ये खाने पीने की चीज़ें, लाई का बिस्कुट, ठीक है, क्रीम वाले बिस्कुट हैं, चॉकलेट हैं, और थोड़ा सा चटपटे के लिए हमने पीनट वाली नमकीन ले ली है, क्योंकि इससे हमें प्रोटीन मिलेगा। और देखो ऐसा ना, कोल्डिंग वोल्डिंग तो अवॉइड करनी चाहिए, देखो उतना तुम्हें पता है हेल्दी भी नहीं है। पानी अपना बेस्ट हुआ, ठीक है, बाकी बिस्कुट तो कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं ले गया, कोल्ड ड्रिंक तो बढ़िया, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ऐसा ना, अरे कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए उतना बढ़िया नहीं है, देखो तुम्हें ये सब पता सबको ही है, केमिकल मिले होते हैं ये वो। तो इससे बढ़िया हमारे देखो बिस्कुट विस्कुट लिए, और खास बात यह बिस्कुट में जरूर देखना चाहिए, ये देखो 14/4/24 मतलब 23 में बना है, 24 में एक्सपायरी है, क्योंकि कई बार होता है कि हम देखते नहीं है कि क्या कहते हैं कब का बना है, कब एक्सपायरी हो रहा है, और ऐसी बंदा खाने लग जाता है जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो हमने अब खाने पीने का पूरा सामान ले लिया, अब हम सीधे चलते हैं काको।
तो दोस्तों भट्ट जी का ये कहना है कि मतलब हम जो भी यहाँ सामान ले मतलब हमने वही सामान लेना है, मतलब वहाँ से अपने बोझ नहीं लेके आना, क्योंकि हमारा जो ट्रैक है भट्ट जी कितना 2 से 3 किलोमीटर है या ज्यादा ही होगा, वहाँ से हमने 2.5 से 3 घंटा लगेगा क्योंकि हमारा जो पैदल ट्रैक है और हाइट में खड़ी चढ़ाई है। तो अपने दोस्तों की हमने थोड़ा वेट का भी ध्यान रखना है और हमने वही चीज़ें ली हैं जो हमें रास्ते में जो है कि एनर्जी देंगी और आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज़ ली जो भारी हो, क्योंकि हमारा सफ़र लंबा है, लंबा चलना है, ट्रैवल लंबा है। ठीक है तो शुरू करते हैं, बिना किसी बकलोली के पीछे देखिए भाई चलिए। ओके तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने इस यात्रा को। भट्ट जी ड्राइव आप करेंगे या फिर मैं ही करूँ? आप कर लेंगे? चलो ठीक है, हम थोड़ा अपनी सीट चेंज कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आज जो का जो मेरा ब्लॉग है वो बाइक से होने वाला, लेकिन और दोस्तों जो आपका दोस्त नैनीताल आया हो और इस जगह को ना घुमाओ, इसका वीडियो का लिंक उसे ज़रूर शेयर करें। और अगर ये हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा चला, अच्छे मिलियन में पहुंचा, तो मैं सैंडी भाई का ये टायर भी डलवाऊंगा। देखिए हमारी ब्लॉगिंग करते करते टायर घिस चुका है, तो मैंने कहा सैंडी भाई को मैं आपका टायर डलवाऊंगा, हमारा बस ब्लॉग चल जाए दोस्तों, आपका प्यार चाहिए। चलिए लेट्स गो। तो दोस्तों हम सफ़र को स्टार्ट करें, सबसे पहले हमने सेफ्टी का ध्यान रखना, मैंने और भट्ट जी ने हेलमेट लगा लिया है, क्योंकि यातायात के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है ना, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। दोस्तों मैं शुरू करता हूँ अपनी राइड को, मिलते हैं आगे अपने सफ़र पे। पहाड़ों का सफ़र, हमने सोचा कि बाइक की थोड़ी हवा हवा चेक करवा लेते हैं। हाँ नया डलना है यार, भैया खुराक मांग रहा है, दोनों में देख लेना भैया। और दोस्तों चाइना पीक को जाते हुए हमें बहुत अच्छा सा व्यू देखने को मिला, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अरे खुरपा ताल का बहुत अच्छा व्यू और बहुत अच्छी धूप निकली हुई है रास्ते भर में, ठंडी ठंडी हवाएं, धूप छांव, मतलब ये लगातार सिलसिला जारी रहा। थोड़ा यहाँ पे फोटो सेशन करके हमारे भट्ट जी हाथ जोड़ने गए हुए हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके निकलते हैं फिर हम यहाँ से। पानी में नहाया करते नहाना सबसे नहा भी दे रहे दोस्तों हमारा मोए मोए हो गया है, जिसकी हम बात करते हुए ऑलरेडी बहुत ही वीडियो में देखा कि सैंडी मोए मोए हो गई हो गया, मतलब यह है कि अब हमारे खुद के हमारे साथ हो गया है, जो हमारा बैग देख रहे हो, हमारे खाने पीने का सामान था उसमें, बाकी असला रखा हुआ था ठंड से बचने का, जैकेट वगैरह टोपी वगैरह, लेकिन वो हम इतना नीचे भूल आए हैं, 11 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, भट्ट जी चला रहे हैं, हो सकता है किस्मत में वो बैग मिल जाएगा। बैग में कैश पड़ा हुआ था हमारा 3 चेक 1.5 लाख के, पता नहीं दोस्तों क्या हो रहा है। धीरे धीरे हम नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे 100 की स्पीड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों दुआ करो कि बैग हमारा वहीं पे रखा हो। अरे नया बैग लाया हुआ था, घर वाले बड़ी गालियाँ देंगे, घर में घुसने नहीं देंगे मुझे भगवान। जैकेट है भैया 2500 की उसमें, अरे उसमें हमारा सामान और रुपए का खाने पीने का सामान नहीं लिया उसमें, उसमें खाने पीने का सामान जिससे हम जिंदा रहते हैं। मैं जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं मेरी हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि अब वो जगह तो आ गई है, पता नहीं बैग होगा या नहीं होगा, होना तो चाहिए। बैग रखा हुआ भाई, बैग रखा हुआ, आपकी दुआ काम आई। ये है व्यू और ये है बैग, मिल गया भट्टी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा भाई साहब, ये बहुत थोड़ा लापरवाही का नतीजा देख लिया, हमने फोटो सेशन के चक्कर में बैग ही यहीं छोड़ दिया, बहुत नुकसान हो गया। दोस्तों अब यहाँ से हमने रूट हमने फिर चेंज करना है, तो हमारे सीधा रूट जा रहा है ये नैनीताल जा रहा है, लेकिन हमने वाला रूट पकड़ना पंगोट और किलपरी वाला, ये रूट जिससे हम आए थे, मात्र यहाँ से अब 8 से 10 किलोमीटर का अभी हमारा बाइक से ट्रैवल रह गया है, तो करते हैं, समय भी बहुत हो गया है, चलते हैं और अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। और स्वागत है आपका हमारे प्यारे उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में।
तो फाइनल दोस्तों उस मतलब जहाँ से मैं ट्रैक सुनने वाला वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। आप पीछे देख पा रहे होंगे ये यहाँ तो शुरू होगा हमारा नैना पीक का जो ट्रैक है। अरे वो शुल्क भी लगा दिया अब तो यार प्रवेश शुल्क मान अच्छा यहाँ के 50 रुपये ये सही कर दिया इन्होंने। तो तुम तो यार कहीं विदेशी लग रहे हो तो यार क्या होगा भट जी तो स्टार्ट करते हैं अब क्या करना हो ऊपर जाके दोस्तों कुछ हमें ऐसा व्यू दिखने वाला मतलब इस व्यू को देखने के लिए हम इतने ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों पिछली बार आया था सब फ्री था लेकिन अभी इन्होंने हमारे हाथ में एक टिपन्ना दे दिया है 100 रुपये का। यहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं अपनी बता रहे कि 9 जनवरी से चार्जेस लागू हुए इस साल 2024 ही तो धीरे धीरे 9 जनवरी से पहले आना था। तो हाँ यही है कि हमें 9 जनवरी से पहले आना था कोई दिक्कत नहीं है। सोचेंगे कि आज भट्टी ने अपना तमाकू तुमकू नहीं खाया सिगरेट विगरेट का वो नहीं करा। लग गई यार तो दोस्तों लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा चले हैं मतलब आधा किलोमीटर भट्टी कितना चल गया होगा आधा मुश्किल से यार आधा भी नहीं चले होंगे लेकिन फिर भी सांस फूल गई हमारे इतना से चलने में लेकिन सफ़र अभी बहुत लंबा है। तो दोस्तों आने में एक चीज़ का हमें एक बिल्कुल ध्यान रखना है इसका बहुत ज़्यादा कि जब हम कभी भी यहाँ पे आएँ तो हमारे जूते हैं वो ऐसे पहन के आएँ कि जिनके नीचे ग्रिप बनी हो जो भट जी के जूते हैं रेड टाइप के जूते हैं भट जी रेड टाइप का प्रचार हो रहा है नहीं माफ़ कीजिएगा किसी भी कंपनी का जूते पहन के आ सकते हैं मैं जिनमें ग्रिप बनी हो फिसले ना वो क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो हाँ और खड़ी चढ़ाई ऊपर से उसमें फिसल के गिर सकते हैं आपकी नई जीन्स कटी फटी जीन्स हो सकती है और दांत टूट सकते हैं मेन बात तो फिर जब आप हंसोगे दांत टूटे में तो दूसरा बंदा कहेगा प्लीज़ भाई हंस मत तो ऐसा काम ना हो तो इसलिए अच्छी ग्रिप के जूते पहने ज़्यादा लोडेड आ थोड़ा हमने सामान भी हमारा लोडेड हो गया ना बैग में भी काफ़ी हमारा खाने पीने का सामान है। अब यहाँ से नैना पीक किलबरी टूरिज्म जोन में जैसे हम आए तो यहाँ पे दो भाग है जिस हमने जाना है यहाँ पे नेचर ट्रेल यहाँ से हमें वो व्यू दिखेगा जो व्यू हम देखने आ रहे हैं दूसरा व्यू हिमालयन व्यू पॉइंट रास्ते आ रहा है मतलब यहाँ से अभी तो खैर ऐसा मौसम नहीं है धूप निकलती है तो हिमालय की चोटियों में बर्फ़ पड़ी हुई दिखती है तो खैर हमें वो व्यू हमने देखना नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ कृपया समूह ग्रुप में ही भ्रमण करें ग्रुप में तो हम भी 250 लोग आए हुए हैं हमारे भट्टी 200 बराबर अकेले हैं मतलब 201 लोग हैं एक मैं हूँ 200 हमारे भट्टी 200 बराबर तो ये मतलब यहाँ है कि जानवर खतरा लगातार बना रहता है तो मतलब ये जानवर भी एकदम से आता नहीं है मतलब ज़्यादा लोगों को देख के अकेला देख के तो मैं निमाला बना लिया इसलिए हमें इस चीज़ का भी सतर्क रहना है। चलते हैं आगे का सफ़र जारी रखते हैं जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं हाइट पर जैसे पहुँच रहे हैं ठंडा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इसलिए अपने बैग में मतलब एक बैग अवश्य लेके आएँ उसमें हाथों के लिए ग्लव्स टोपी और एक जैकेट ज़रूर रख लें क्योंकि जैसे जैसे मतलब आते आते शाम हो ही जानी है और यहाँ पे शाम 4 बजे के बाद मौसम अंगड़ाइयाँ लेता है बदलता है मौसम तो इस चीज़ के लिए वो प्रिकॉशन है कि अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें ज़रूर लेके आए क्योंकि यहाँ ऐसा है कि कहीं रुक ठहरने का ये नहीं क्योंकि जैसे अंधेरा होगा तो जान माल का भी बराबर खतरा बना रहता है तो ये क्योंकि यहाँ लाइट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है जिससे उजाले उजाले में ही नीचे आ जाएँ। दूसरा यह है कि काफ़ी चलना पड़ता है कच्चे दिल वाले ना आए तो फिर अगर एक दिल साथ में लेके आए हगीज की ज़रूरत भी यहाँ पड़ सकती है क्योंकि कईयों की यहाँ निकल सकती है हर कोई नहीं चढ़ाई ऐसे चढ़ सकता काफ़ी टफ है देखिए चीज़ें खड़ी चढ़ाई है लेकिन कोई बात नहीं करेंगे ज़रूर करेंगे इस बार जाएंगे यार एंडवे लेकिन मुझे लग रहा है यार व्यू मिलेगा नहीं मिलेगा यार कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत क्यों नहीं है एंडवे इतना 100 किलोमीटर का सफर तय करके आए हम क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है मतलब आप यहाँ आएंगे 10 बार आ सकते हैं लेकिन इसमें वही किस्मत वाला कह लो या जो मर्जी कह लो लेकिन व्यू बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि जिस व्यू को देखने के लिए हम यहाँ से जाते हैं क्योंकि उस व्यू से क्या होता है हमें जो यहाँ के पीक से जो है ना झील बिल्कुल आम का शेप दिखाई देता है। अब हमने देखना है कि वो व्यू देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा पिछली बार भी हम आए काफ़ी बार आए लेकिन वो हमने क्या बोलते हैं टाइम लैप्स बनाया था अपना टाइम लैप्स में वो व्यू दिखा क्योंकि वो सडन ही एकदम आता है क्योंकि बादल लगातार
झील के ऊपर चलते रहते हैं इसलिए। क्यों भट जी, तो कोशिश करेंगे कि टाइम लैप्स तो खैर इस बार ही बनेगा, लेकिन उस व्यू का हमें इंतजार रहेगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी ये सब वही चल के पता गया। 365/24 यूज करने वाले हैं, हमें भी चाहिए तो ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आने का जो फ़ायदा है और मज़ा है वो सुबह सुबह में 9 से 10 बजे के बीच अगर आप चांदनी चढ़ाई शुरू कर देते हैं 2 से 2.5 घंटे में आप ऊपर पहुँच जाएंगे। ऊपर मतलब पीक पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि धूप में जो व्यू चाहते हैं वो मिलेगा, क्योंकि जैसे सूर्य ढलना शुरू हो जाएगा तो व्यू आपके हाथ से निकल जाएगा। वो बीच में कई मौके आपको मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन वो 3 से 4 सेकंड का व्यू होता है, वो आप कंटिन्यू नहीं देख पाएंगे। क्यों भट्टी जी? हाँ थोड़ा रहेगा, वो ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर है बस यहाँ से, 1 किलोमीटर चल लिए। व्यू आज मिल सकता है हमें, धूप तो है अभी क्यों। हाँ टॉप पे जब हम पहुँचे तो हमें धूप मिलनी चाहिए। बस सेम जो अभी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहेगी तो व्यू दिखेगा 100%। वैसे सुबह से हम कुछ भी कह रहा, सब कुछ हमारे फेवर में था, हो सकता है कि ये भी हमारे फेवर में ही, मतलब जैसा हम चाह रहे हैं सोच रहे हैं, मतलब अभी तक वैसे ही हुआ है, कोई हमारे विपरीत या नेगेटिव अभी कुछ नहीं हुआ, ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव, ऑल इज वेल, सब सही होगा अभी। दोस्तों जैसे अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बहुत कुछ चेंजेस हो गया, जो पहले आए होंगे अब जो आएंगे उनके लिए बहुत कुछ चेंजेस हो गया है। हर दो कदम पर जाके रास्ता 3 भागों में बट जा रहा है, सीधे जाओ राइट, आगे जाओ लेफ्ट, आगे जाओ राइट, वही चीज़ हमने यहाँ देखनी है। ये देखो हमने नैना पीक जाना है उसके लिए वही है, किलवरी आना उसके लिए वही है, वापस जाना उसके लिए वही है, ये रास्ता वही है, विश्राम गृह ऊपर बैठो इंतजार करो। केवट जी करो थोड़ा विश्राम। नहीं 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 पहले यहाँ चलना है, वहाँ पर पहुँच के फिर होगा विश्राम सीधे, क्योंकि यार टाइम जैसे बढ़ते जाएगा फिर तो धूप चली जाएंगे, फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। अरे भैया लोग आ गए, भैया व्यू देखने को मिला, खाली बादल देख के आ रहे हो भैया? सिर्फ भाई थोड़े दूर से आ गए वापस, मतलब बादल देखने मिले। उम्मीद तो है, देखो व्यू दिखे गया ना मेनली, थोड़ा थोड़ा वेट कर लेते, धूप तो आ रही है धीरे धीरे। अरे फिर भी ऐसा लंबा निकलना होगा। हाँ, चलो ठीक हो गया। हेलो ऊपर सारे भैया व्यू देखने को मिला या फिर धुआं देख के आ रहे हो खाली? बादल बादल है बट बहुत गजब का है, मतलब व्यू नहीं मिला देखने? नहीं, नहीं, नहीं मिला भाई, लेकिन बादल देखने को मिला। ओहो ये तो घर से भी देख लेते हैं। नहीं आ रहे मतलब तुम्हें व्यू देखने को नहीं मिला है? चेहरा मुरझाया सा लग रहा है, इसका मतलब व्यू नहीं मिला आपको देखने? अच्छा अब मतलब बादल नहीं मिला तुम्हें? हाँ नीचे जब आप देख रहे होंगे ना लेक, तो लेक दिख गई आपको? अच्छा ठीक, मतलब गलत जगह चले गए। धन्यवाद भैया। तो आप जाओगे आओगे अभी? अच्छा तो हिम्मत हार गए कर साथ चलोगे, मोटिवेट करेंगे? आओ आओ, बात मोटिवेशन की नहीं है, बात यह पट्टी भी लेके आने की है, हिम्मत नहीं है भाई। सेकंड टाइम आ रहे हैं, आई गया सेकंड टाइम आ रहे हैं, हमारा चाहे ब्लॉग देख लेना 6 महीने पहले का, और दूसरी टाइम आ रहे हैं, लेकिन हमें तो नींद का मन कर गया सोने का। एक भी नहीं है यार, 700 मीटर होगा, 400-500 मीटर होगा, इससे ज्यादा होगा तो वापसी आ जाना क्या, मजाक से हटकर यही तो है राष्ट्रीय। फिर आ जाओ, उस बार हमें व्यू नहीं मिला था। अब 2 आए थे 6 हो गए, 2 और मिले 8 हो गए। नाजिस भाई क्या हालचाल? नाजिस भाई स्वागत है आपका हमारा फिर से एक नए ब्लॉग में। बहुत बढ़िया भैया, व्यू देखने को मिला खाली आप बादल देख के आ रहे हैं? व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ईस्ट साइड में जाना पड़ेगा, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे ना ठीक हो गया, पर तो फिर ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर उधर जाएंगे, मतलब व्यू देखने मिल गया आपको? ऑफ कोर्स या वेरी ब्यूटीफुल व्यू, देयर इज समथिंग कॉल्ड मैंगो पॉइंट। या 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 क्या हुआ सैंडी भाई? भैया अपने मस्की नहीं है, मस्की नहीं है तो क्या हुआ?
अब अपना कपड़े कच्चा बनियान सब गीला हो गया है, सब गीला हो गया। मुझे माफ करो, तुम हो क्या हो? अरे थोड़ा ही तो रह गया, अब चलो यार कर रहा हूँ, थोड़ा ही रह गया, चलो जी। 3 घंटे होगा चलते चलते, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ तक ले आयो। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा लास्ट तो साथ नहीं दे पाया, लेकिन जाते हुए पूरा दूंगा। यार एक बार बताओ, पहाड़ी रास्तों पर अगर पहाड़ी नहीं चढ़ा तो फिर फायदा क्या? तुम्हें बताया नहीं चढ़ पाया, चढ़ना पड़ेगा। देखो ये पहाड़ियों की शान की बात है, आन की बात है। तुम्हारी ये बात दिल पर लगी, बढ़ जी जल्दी आओ फिर। बढ़ जी ने ये लाइन बोल के मुझे मोटिवेट कर दिया। मैं अपनी परिस्थिति से बिछड़ चुका था, मुझे मलाल हो रहा था कि मैं सिर्फ इतने रास्ता आया पूरा नहीं पहुंच पाया, लेकिन भटजी की जो बात मेरे दिल पे लगी, दिल पे चीरते हुए निकली बाहर। लेकिन भटजी चीर के बाहर निकल गई तुम्हारी बात। चलो आपको चलना पड़ेगा। कितना कितना गया होगा? आई थिंक 500 मीटर, आधा किलोमीटर। चलो वैसे आप तो ढाल है, ढाल है तो कोई नहीं, फुटबॉल बना देंगे आपकी ढाल है। अब चलो 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 चलते हैं, अब यहाँ तक आए वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर क्या है? क्या ऐसा ही बात है। चलो दोस्तों मिलते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर। ये सैंडी भाई आए हैं, ये देखिए पूरा बैग में माल मसाला भर भर के लाए हैं। ये आज लग रहा है यहीं स्टे करने का इनका इरादा है, पूरा सामान भर के लाए हैं। और आज ये आपको मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह रहना सिखाएंगे कि कैसे आप अगर के सुनसान अनजान पहाड़ी एरिया में फंस जाएं या आएं और रात हो जाए तो आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये सब दिखाएंगे आज आपको इंडिया उत्तराखंड के जाने माने ब्लॉगर सैंडी। नहीं देखो सैंडी भाई के आगे कोई बोल नहीं सकता, देखो कोई नहीं बोल रहा। ये 2-4 लंगूर इधर उधर आए हुए हैं मेरे ख्याल से, वो बोल रहे हैं, और बाकी सैंडी भाई के आगे कोई बोल ही नहीं पाता है। और ऐसा वो एलविस यादव वाले ने कॉपी करा था इनका, पहले इनका ही था, तो कोई बात नहीं, ठीक है। सैंडी भाई शायद कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ रह गया है। आधे घंटे पहले तो ये अपने बैग छोड़ आए थे। वो तो अच्छा हुआ कि बैग हमें मिल गया वापसी। बैग मुझे माफ करो बड़ी, ये सब चीजें हमारी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती हो रही है यार नहीं भाई, आपने तो बैग ही छोड़ दिया। लीव द टॉपिक, उसमें आपकी 500 की गड्डी थी नकली, नकली इसमें तो चेक रखे हुए थे। ओहो फाइनली अब हम मिला है, खाली हम बादल देख के आ रहे हैं। बादल कोई खास नहीं है, खास नहीं है। अब तुम जा रहे हो क्या, बता जाए यार। अच्छा थैंक यू। चलो देखते हैं, हम सोच रहे साथ में आपको भी दिखाए थे। ओके भैया व्लॉगर सैंडी करके सर्च कर लेना यूट्यूब पे। ओके भैया ने बोला कि व्यू तुम देखना और अपने कैमरे में कैद करना। हाँ। तुम्हारी वीडियो हम देख लें, हमने चैनल उनको बता दिया है। हाँ। बस बाकी दोस्तों जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे मैं उनसे कहूँगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब इसमें हमने आप सब देंगे अभी कुछ चीज़ें जो रह गई हैं हम आगे बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए, है ना। हाँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट तो बनता ही बनता है, और जो आपका दोस्त नैनीताल आया हो यहाँ आना चाहता हो या उन्हें नहीं पता हो कि जगह और है तो उनको ये लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो या जो पुराने भी हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सैंडी भाई आप ज़्यादा उल्टे मत चलो तो फैल जाओगे। ये बेइज्जती तो नहीं हो रही ना, कट कर दूंगा। करे जाओ करे जाओ। जो तुम्हारे 500 रुपये जमा है वो कट गए। ये तो बादल ही बादल दिख रहा है। कोई नहीं, बादल वर्षा बिजली बिजली। सैंडी भाई पूरी मस्ती में आप, क्योंकि इन्हें लग रहा है जाने अनजाने में क्या होता है व्यू मिल जाए। अरे अब तो खुश हो जाएंगे सैंडी भाई, अब तो मॉल बनेगा। सैंडी भाई के चेहरे पर रौनक आ गई, आप समझ सकते हो। जिसका मुझे था इंतजार
नहीं दिख रहा हेलो गाइस लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल का नाम तो बता भैया ब्लॉगर सैंडी भैया ब्लॉगर सैंडी ब्लॉगर सैंडी जी जी एक अच्छा सा कमेंट करना नाम क्या वो भी अपना अंकित ओ बच्ची ओ जल्दी आओ ओ जल्दी आओ भाग तो आओ ना ओह देख रहो, गिरा मत देना यार तो अरे भयंकर बहुत लोग हैं यार तो ओ भाई धुंध अबे कैसे हूँ मैं क्या देखा कुछ ये हमारे सैंडी भाई का मुंह खुल गया खाली ओ करके क्योंकि इन्हें कुछ दिखा नहीं है हम नीचे को जाएंगे अरे भयंकर कहाँ है वो है तो झील तो फाइनल दोस्तों पौन घंटे जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे मैं नहीं सभी लोग कर रहे थे अभी तो आए हैं तुम तो अभी आए हो मैं तो मुझे तो पौन घंटा हो गया हुआ है ब्लॉग में झूठ क्यों बोलते हो तुम हैं सही बताओ कितने हो गया मुझे पढ़ना मिनट हुए हमें तुम्हें कितनी हो गई और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ ये देखो ये मैंगो शेप इनसे क्या जाए व्यू देखने के लिए खाली वीडियो देख ले हाँ ना कभी आप और धूप निकल गई है तमाम इंतजार के बाद झील ये हमारी मैंगो शेप वाली झील यहाँ से मैंगो के आकार की दिखाई देती है हमारी नैनी झील मेरे फोटो पे फोटो हो रहे हैं आप जो इतनी जो भीड़ देख रहे हैं ये अपने 50 रुपये वसूल करने आई है नज़ारा तो देखने से रहा देख रही है धीरे धीरे झील धूप का इंतजार लगातार बढ़ती भी जा रही है बट पता नहीं क्या होता है भाई कुछ चीते वहाँ फोटोग्राफी में लगे हुए अपने तो यहाँ पर सब कुछ सही था लेकिन यह कुछ चीज़ों को देख के मन बड़ा दुखी हुआ कि मतलब कुछ लोग आए खाया पिया लेकिन उन्होंने कूड़ा करकट यहाँ पे आके फेंक दिया आए मतलब सामान साथ में लाए लेकिन जो कूड़ा करकट है उसे अपने साथ ले जाए प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें देवभूमि उत्तराखंड अपनी साफ सफाई हरियाली के लिए जाना जाता लेकिन यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने खा पिए मतलब सामान सारे यहीं फेंक दिया है आगे से आएँ तो अपने साथ एक पॉली बैग भी लेके आएँ जिसमें सारा ये अपना कूड़ा करकट आप इकट्ठा करके ले जा सकते हैं बस यही चीज़ की सावधानी हमने बरतनी है ना आराम से आए हैं कुछ ऐसे हमारी जगह है उसके नीचे को ना उतर क्योंकि ज़्यादा ढाल है अगर पैर वैर फिसल गया तो कोई घटना हो सकती है क्योंकि अभी बहुत से जो हमारे भाई बंधु हैं नीचे की तरफ बहुत उछल कूद कर रहे थे छेड़खानियाँ कर रहे थे लेकिन हो सकता चलो सब कुशल मंगल रहे लेकिन ध्यान से हर जगह सावधानी बरतें हैं तो दोस्तों जो आज का मेरा जो ब्लॉग था नैना पीक का वो मैं ही एंड करता हूँ क्योंकि जो लास्ट जो पीक मैं दिखाना चाहता था उसका वेट करते करते लगभग फिर भी दिख ही गया मतलब उतनी क्लियर दिखाई नहीं दिया तो अपनी वीडियो ही एंड करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें।